नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ने कहा कि 19 लाख लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी राशन पहुंचाते हैं, मुफ्त का राशन पाते हैं, तो ऐसे परिवार को गांधी परिवार का क्या संदेश है। उन्होंने कहा कि 4,20,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं, तो ऐसे परिवार के बारे में गांधी परिवार क्या संदेश देना चाहता है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के संदर्भ में स्मृति ने कहा कि पहली बार देखा है कि कोई अपना परिवार भी बदलता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वायनाड के लोग वफादार हैं, तो अमेठी के लोगों के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी अपने संरक्षण के लिए लड़ेगा। राहुल गांधी ने अमेठी को त्याग दिया और जनता पीएम नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि गांधी परिवार में अंदरूनी कलह है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपया अमेठी की जनता को ये बतलाएं ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं बना। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है। दीदी क्या हार के डर से एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 26 अप्रैल को वायनाड में दूसरे चरण के लिए मतदान होने के बाद राहुल गांधी अमेठी का रुख कर सकते हैं, ये दावा सूत्रों ने किया है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि अमेठी और रायबरेली में देरी उनकी रणनीति का हिस्सा है। यूपी कांग्रेस कई मौकों पर दावा कर चुकी है कि अमेठी से राहुल ही चुनाव लड़ेंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।